हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले किसी भी आपको क्वेश्चन में देखना है उसकी डिग्री कितनी है। जैसे इसमें कितनी डिग्री है एक्स की, 2। सो इधर एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज होगी। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। इधर वाई की डिग्री कितनी है, 1। सो वाई की कितनी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो। अब इसे सॉल्व करना तो आसान है। सर, वाई की क्या वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी सीधे +4। ठीक है, +-4, आपको -4 कंसिडर नहीं करना, आपको सीधा +4 कंसिडर करना है। ठीक है, अब मुद्दा आता है सर इसे कैसे सॉल्व करें, x² <= 16। ठीक है, कंफ्यूजन इसी में, हमें यही सीखना है, देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत। x² <= 16 यही लिखा है, तो देखो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, x² -16 <= 0। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, x² -4² <= 0। ठीक है, a² - b² हो गया। ठीक है, बताओ a² - b² की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई। तो यानी इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, a+b (a-b), बताएं क्लियर है। तो यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x+4 (x-4) <= 0, बताएं क्लियर है। अब एक बात बताइए, अगर आपके सामने लिखा है a(b) <= 0, a(b) <= 0, ये कब पॉसिबल है, या तो a मेरा पॉजिटिव हो, b मेरा नेगेटिव हो। a मेरा पॉजिटिव हो, एंड एंड बोल रहा हूँ मैं, और नहीं बोला, और b मेरा नेगेटिव हो, या फिर ये तो हो गया मेरा केस 1। या केस 2 कब पॉसिबल है, कि भाई a नेगेटिव हो जाए एंड b आपका पॉजिटिव हो जाए। अब मान लो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये a(b) > 0 हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव (negative) क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस केस में भी > 0 हो जाएगा। यही पॉसिबल केसेस है। तो अगर मैं केस 1 को लेता हूँ, केस 1 में क्या हो जाएगा, समझना, मैं आपको दोनों केस समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हम ले रहे हैं इधर केस 1, इधर लेंगे हम केस 2। केस 1 में हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, x+4, यही तो हमारा ए है। भाई ए क्या हमारा, x+4, और बी क्या मेरा, x-4। x+4 हमारा पॉजिटिव यानी > 0 एंड, और दूसरे बी क्या हमारा, नेगेटिव, विच इज x-4 <= 0, बताएं इतना क्लियर है। तो देखो जी, इधर से क्या हो जाएगा, x > -4, और इधर से क्या हो जाएगा, x > 4। एंड अगर मैं आपको से बताऊं, ये मान लो ये 0 होता है, ये होता है +4, और ये इधर क्या होगा, -4। x > -4 <= 4, यानी इस तरीके से x > 4 होगा, विच इज इस तरीके से। अब एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, विच इज कॉमन। तो कॉमन क्या पार्ट हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x should be <= 4 एंड x should be > -4, बताएं इतना क्लियर है। ये एक्स की रेंज हो गई। आप कहोगे सर केस 2 को सॉल्व करो, बिल्कुल केस 2 को आप वेरीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, एक्स, हाँ x+4 - यानी <= 0 एंड एंड, हमेशा एंड का मतलब याद रखना है इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, और दूसरा है x-4 <> 0। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी इधर से क्या आएगा, x < -4। ठीक है, एंड, और इधर से क्या आएगा, x > 4। ठीक है, यही आएगा। अब इसे टाइमलाइन पे ड्रॉ कर लो, भाई ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये -4 हो गया। x < -4 यानी ये वाला पार्ट, x > 4 यानी ये वाला पार्ट, यानी इधर तो है ये वाला पार्ट, इधर है ये वाला पार्ट। बताओ इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है आपको, इसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, बताएं क्लियर है। तो केस 2 आपका डिसमिस हो जाएगा, इधर एक ही केस बचा हमारे पास। ठीक है, ये बात क्लियर है। और वाई की वैल्यू पीछे हमने क्या देखी थी, +4, वाई की वैल्यू थी +4 एग्जैक्टली, और इधर क्या है, x should be <= 4। तो क्लियरली आप बोल सकते हो x < 1, बताओ ये क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई एक्स की वैल्यू लाए कर रही है, यहाँ पे अगर इक्वल टू होता ना, अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता, x is x² <= 16, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे x is <= 4 एंड x is > -4, मगर इधर इक्वल का साइन है नहीं, तो इसलिए x is always <= 4 एंड y is = 4, सो देयर फोर वी कैन कंक्लूड x is always <= y, बताए क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डेली डी ऑप्शन, बता x is less than y, अच्छे से नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट,
फॉर यू गाइस। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसे आप इसमें क्वाड्रेटिक में कंफ्यूज हो गए थे ना, इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। अ पर्सन रैंडमली सिलेक्ट्स टू पीसेस फ्रॉम वाइट पीसेस ऑफ चेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पीसेस आर सिमिलर। तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ पीसेस क्या होते हैं, है ना, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। तो आपके हेल्प के लिए मैं थोड़ा सा दे दिया था हिंट, ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर और चाहिए हो। सो हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।